कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन इस वक्त एम्सिस 10 पर एकदम फिट बैठती है। जिस तरह से मुंबई की झुग्गियों में पले बड़े एक सिंपल सी लड़की ने आज बिग बॉस 16 का बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया और दुनिया भर में नाम कमा लिया, उससे उनके फैंस, दोस्तों और परिवार वालों को बेहद ज्यादा नाज हो रहा है। बेशक एमसी को लोग खूब ट्रोल भी कर रहे हैं, उनकी जीत पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्हें ये जीत उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग के कारण ही मिली है। वो फैन फॉलोइंग जिसे एमसी 10 ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मुंबई के स्लम में पैदा हुआ एक आम लड़का जिसका नाम अल्ताफ तावड़ी है, वो कैसे इतना बड़ा रैपर बन गया? आज हम आपको एमसी की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। पुणे की बस्ती में जन्मे मुफलिसी में गुजारे दिन एमसी 10 पुणे के बस्ती एरिया में रहने वाले हैं। 10 के पिता पुलिस में रहे, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि ढंग से दो वक्त का खाना भी खा सके। एक ऐसा वक्त भी था जब 10 के पास पैसे नहीं होते थे, ऐसे में उन्हें भूखा रहना पड़ता और कई बार सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ती। एमसी 10 के माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन 10 को बचपन से ही गाने लिखने का बेहद शौक था। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गानों में ही रम जाते। इसके लिए 10 को कई बार अपने माता पिता से डांट भी खानी पड़ती। उन्हें 10 का गाना लिखना और रैप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन 10 ने ठान ली थी कि वो रैप की दुनिया में ही नाम कमाएंगे और दुनिया भर में अपनी मातृभाषा हिंदी को पहुंचाएंगे। 12 साल की उम्र में कवाली परफॉर्मर रैपर बन चमके। वेल, गाने का शौक तो एमसी को बचपन से ही था, ऐसे में मात्र 12 साल की उम्र में एमसी 10 ने कवाली गाने पर परफॉर्म किया। बता दे कि रैप से पहले 10 बी बोइंग और बीट बॉक्सिंग में थे। 10 ने अपना पहला रैप तब लिखा था जब वो 8वीं क्लास में थे, लेकिन एमसी 10 को पहचान तब मिली जब वो रैप करने लगे। रैप से 10 की पहचान उनके भाई ने करवाई थी। एमसी 10 ने 50 सेंट, एमिनेम और अन्य रैपर्स के गाने सुने, यहाँ तक कि उन्होंने गाने के बोल समझने के लिए इंग्लिश की क्लासेस भी ली थी, इसलिए बदला अपना नाम। बता दें कि 10 ने अस्तक फिरुल्ला नाम से अपना रैप गाना रिलीज किया था जो बेहद पॉपुलर हुआ। इस गाने में 10 ने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी जो लोगों के दिलों को खूब छुई। बता दें कि 10 का असली नाम अल्ताफ है, लेकिन क्योंकि वो फेमस अमेरिकी रैपर एमिनेम के फैन हैं और एमिनेम के फैन बेस को 10 नाम से ही पुकारा जाता है, इसीलिए अल्ताफ ने अपना नाम 10 रखा। कभी रिक्शे पर सोते, आज तगड़ी कमाई। लाखों करोड़ों की ज्वेलरी और महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले 10 जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने उस दौरान कई रातें रिक्शे पर सोकर गुजारी थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद आज उनके पास लग्जरी कारें हैं, एक से एक ऐसी चीजें हैं जो आम बात नहीं। 10 को हिंदी भाषा से इतना ज्यादा प्यार है कि उन्होंने इसी नाम पर अपना लेबल हिंदी रिकॉर्ड शुरू किया और हिंदी नाम से डायमंड का सेट भी बनवाया। एमसी 10 ने बिग बॉस 16 के प्रीमियर पर बताया था कि उनके जूते 80,000 के हैं और अम्मी ने उन्हें शो में देखने के लिए 70,000 का टीवी तक खरीदा है। 10 ने यह भी बताया था कि उनके पास एक स्नेक के डिजाइन की चेन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वही हिंदी नाम का जो डायमंड नेकलेस है वो करीब 1.5 करोड़ का है। विवादों के बाद भी बने इंस्पिरेशन। एमसी 10 की जिंदगी में काफी विवाद भी रहा, क्योंकि उनके रैप और गानों में काफी गालियां और भद्दे शब्द रहते थे, इस वजह से भी 10 खूब विवादों में फंसे। लेकिन वक्त के साथ लोगों का नजरिया 10 के लिए बदल गया। 10 ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बिग बॉस 16 में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने प्रति लोगों का नजरिया बदल सके और खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर सके। और आज 10 दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं और बिग बॉस के कारण एक अलग पहचान बना चुके हैं।